कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा। सारे हिंदुस्तान में शोर, दिल मांगे मोदी मोर, दिल मांगे मोदी मोर, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। भाई गौतम गंभीर जी से निवेदन करता हूं कि दिल्ली की जनता को संबोधित करें भाई गौतम गंभीर जी, पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से। सम्मानित मंच और आप सभी भाइयों बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मुझे मौका दिया कि मैं 2 मिनट अपना पक्ष रख सकूं। देखिए मुझसे पिछले 15 दिन से एक सवाल बहुत पूछा गया कि आपने क्रिकेट से राजनीति में क्या सीखा, आपने अपने पहले प्रोफेशन से क्या सीखा, और मैंने अपने पहले प्रोफेशन से एक ही चीज सीखी थी कि लड़ाई लड़ो तो आमने सामने की, पीठ पीछे कायर लड़ते हैं। और पिछले 15 दिन में जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, कभी बोला, कभी मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करने की कोशिश करी गई, कभी मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज कराई, कभी बोला कि मैं 240 दिन देश से बाहर रहूंगा, फिर कभी बोला कि मैं डिबेट से डर गया। मैं इस मंच से एक चीज कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा। फिर हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जो अभी हाल ही में उनके साथ हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, और मैं इस मंच से उनको ये कहना चाहता हूं कि वो अभी इतने बड़े नेता बने नहीं है कि उनके, कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी। हर चीज में पिछले 4.5 साल में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम किया गया। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए दिल्ली वासियों को 4.5 साल पहले कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर आश्वासन देता हूं कि हम दिल्ली को ना लंदन ना पेरिस, हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, एक ऐसी दिल्ली जहां पर हम सब खुशी से रह सकें, जहां पर हम साफ हवा में सांस ले सके, साफ पानी पी सके, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, जहां पर महिलाएं सुरक्षित फील करें। हम कोई भी झूठे सपने नहीं दिखाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर जिस तरीके से उनका सपना है इस देश को सुपर पावर बनाने का, जिस तरीके से उन्होंने, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया है, उससे प्रभावित होकर ये देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर आपको एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है, और वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल में किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की लेगेसी है उसको आगे लेके जाऊं, एक सच्ची नीयत के साथ, एक सच्चे दिल के साथ। आप सभी लोगों की सेवा करने के लिए उतरा हूं, आप सभी लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है, आप सब यहां पर आए इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों के साथ हंसराज हंस जी का अभिनंदन करें, और हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी भी उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। हंसराज हंस जी, हम सबके लिए परम आदरणीय माननीय श्री रामलाल जी, श्री श्याम झाजू जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी भी तशरीफ ले आए हैं, इनका भी अभिनंदन। सम्मानित मंच, भाइयों बहनों, आप सबको बाअदब दर्जा बदर्जा
नमस्कारम, प्रणाम, चरण स्पर्श। गौतम गंभीर जी भी तशरीफ ले आए हैं, इनको भी वेलकम। मीनाक्षी बहन जी भी तशरीफ ले आए हैं, इनको भी। प्रवेश जी, जैसा कि आपको, आप वेल अवेयर है, सब जानू है कि लोकतांत्रिक का ये महाउत्सव होने जा रहा है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, ये तरस रहा था 50-55 सालों से कि कोई ऐसा रहनुमा मिले जो इस देश के लिए, जनता के लिए सुहृद हो, जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, जिसका कोई आईक्यू हो, विजन हो, डायनेमिक हो, जो सही मानों में स्टेट्समैन हो, जो भारत की शान को पूरी दुनिया में चमका सके और बता सके कि भारत है क्या, तो आपकी नजर में वो कौन है? ऊंची वो कौन है? ऊंची वो कौन है? ईमानदारी की बात करें तो जो न खाता है न खाने देता है वो कौन है? जिसकी आराम निंद्रा से दुश्मनी हो गई है, मेहनत और आपके फिक्र में सबसे कम ना सोते हैं ना सोने देते हैं वो कौन है? जो बेटियों के सर पे हाथ रख के कहते हैं बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, वो कौन है? आप दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में बैठे हो, आवाज इतनी आनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए, वो कौन है? वो कौन है जो बेटियों को सुबह सुबह जंगल पानी के लिए जाना पड़ता था? बेटियां आबरू होती हैं, जिन्होंने ये सोचा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, वो कौन है? जिन्होंने माताओं के आंसू निकलते देखे एक चूल्हा तपाने के लिए, एक चूल्हा बालने के लिए, और हर माँ को, बहन को घर में गैस मुहैया किया, वो कौन है? जो अमेरिका जाते हैं व्हाइट हाउस में खाना है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, साक सम्मेलन है या कोई और है, 10 कंट्रियों के प्रधानमंत्री खड़े हैं। प्रधानमंत्री जो भी हो, सारे मुल्क के लिए आदरणीय होता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। लेकिन मोदी जी से पहले तो गाना बेसाख्ता मेरे मुंह से निकलने लगता है, मोदी मोदी हो गया दिल, मोदी मोदी हो गया, मोदी मोदी, दोनों हाथ ऊपर उठा के,
मोदी मोदी हो गया दिल मोदी मोदी गा रहा मोदी मोदी गा रहा दिल मोदी मोदी गा रहा है सारे हिंदुस्तान में शोर दिल मांगे मोदी मोर दिल मांगे मोदी मोर अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं क्या कहूँ मैं क्या कहूँ मैं क्या कहूँ मोदी 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 हो गया दिल मोदी मोदी हो गया मोदी मोदी 130 करोड़ लोग बहुत उत्साहित हैं एक्साइटेड हैं अपने महबूब को फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठते हुए देखना चाहते हैं क्या कहते हैं आजा रे मोदी तेरा रसता उड़ी वैसे भी आप इंतजार कर रहे हैं वो आने वाले हैं यही कह रहे हैं कि गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले आजा रे मोदी तेरा रसता उड़ीक दिया दोनों हाथ ऊपर उठा के बुलाना है अपने महबूब को आजा रे मोदी तेरा रसता ताली सुननी चाहिए आजा रे मोदी तेरा रसता उड़ीक दिया आजा रे मोदी तेरा रसता बेटी को पढ़ाने वाले बेटी को बचाने वाले बेटी को बहाने वाले बेटी को बचाने वाले सबका साथ सबका विकास कराने वाले आजा 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 रे मोदी तेरा रसता उड़ीक दिया भारत माता की वंदे वंदे 12 तारीख का दिन होगा हाथ ऊपर करके 12 तारीख का दिन होगा 12 तारीख का दिन होगा मित्रों दिल्ली के व्यापारियों को गुमराह करने के लिए षड्यंत्रकारी ताकतें लगातार दिल्ली के अंदर अवसरवादी राजनीति कर रही है समस्त मंच खासतौर पर रामलाल जी हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मनोज तिवारी जी हमारे प्रभारी श्याम जाजू जी अरुण जी और सम्मानित मंच दिल्ली के व्यापारियों को लेकर जो षड्यंत्रकारी ताकतें लगी हुई हैं मैं 2-3 विषय आपके सामने रखना चाहती हूं दिल्ली में मास्टर प्लान की गड़बड़ के कारण सीलिंग का मुद्दा 2008 में शुरू हुआ और जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई वो पिटीशन थी कि रिहायशी इलाकों के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी को बंद किया जाना चाहिए लेकिन हैरानी की बात है 2008 से 18 तक दिल्ली में तमाम गैर कानूनी चीजें होती रही पर मॉनिटरिंग कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया एक्शन हुआ तो 2018 में 2019 के चुनाव को देखते हुए और यही कारण है कि जो एक्टिविटी सीलिंग की गई वो कमर्शियल इलाकों में की गई जहां पर जमीन कमर्शियल थी भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर प्लान को अमेंड करके एफएआर को बढ़ाया और 350 एफएआर किया 89,000 कन्वर्जन चार्ज जो कांग्रेस की सरकार ने लगाया था उसको भी घटाकर 22,000 पर लेकर आए और आगे कोशिश की क्योंकि कमर्शियल एरिया है तो किसी ना किसी तरीके से इसको रोका जाए बहुत जगहों पर ऐसी सड़कें हैं जो ना कमर्शियल के रूप में डिक्लेयर्ड है ना मिक्स लैंड यूज में डिक्लेयर्ड है वो नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार को जारी करनी है जिसने अपने हिस्से का काम नहीं किया ये दोनों का निकम्मापन कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सिर पे मरने की जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है उस एफिडेविट के अंदर अमेंडेड मास्टर प्लान की डिटेल्स दी गई हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी वर्ग के लिए अगर काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है
और उनको एटीएम का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि पूर्व की सरकारें करती रही। दूसरा मुद्दा, दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तब तक नहीं मिलेगा तब तक उनके बस की कोई काम नहीं है। दिल्ली में बहुत से मुख्यमंत्री रहे, विभिन्न दलों के लोग मुख्यमंत्री बने, मगर किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं कर सकता या कर सकती क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। पूर्ण राज्य की मांग भले ही रही हो पर निकम्मापन किसी पार्टी ने नहीं दिखाया, और वो निकम्मापन साफ जाहिर होता है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना दिल्ली का पूर्ण राज्य होगा ना दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई काम करेगा। और वो स्पष्ट है, सीवर के पाइप बदलने के लिए, पानी की समस्या खत्म करने के लिए, बिजली के ट्रांसफार्मर्स बदलने के लिए, नए कॉलेज बनाने के लिए, नई यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए, नई स्कूल बनाने के लिए पूर्ण राज्य होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये काम तो पहले की सरकारें भी करती आई हैं। अपने निकम्मेपन को छुपाने का ये केवल और केवल एक बहाना है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी पार्टी ने दिल्ली का ध्यान रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सांसद हो, कोई भी पार्षद हो या कोई MLA हो, नीचे से ऊपर तक सब ने मेहनत के साथ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर जरा जोर से, फिर एक बार जय हिंद जय भारत।